दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बचे हुए टुकड़ों में से बैग कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ये बचे हुए टुकड़े हमारे, ये कुछ इस तरह के प्लेन कपड़ा है और कुछ ये प्रिंटेड है। और देखिए ये मैंने इसके लिए अस्तर लिया, मैं इसमें फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट लाइनिंग रहेगा और एक हमारा ये कपड़ा रहेगा। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े का मेजरमेंट बताते हैं। जिस तरह के कपड़े आपके कुर्ती में से बचे जाते हैं तो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा पीस है और इसकी लंबाई बता देते हैं। तो देखिए 26 इसकी लंबाई है और देखिए चौड़ाई इसकी 16 इंच है। और इसको जब हम बैग बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ रहेगा हमारा और ये साइड से इस तरह से स्टिच हो जाएंगे। और मैंने ये लाइनिंग के भी बचे हुए टुकड़े हैं, तो जैसे टुकड़े होते हैं उनको आप जॉइंट करके अंदर की तरफ इसको यूज कर सकते हैं। और इसी के साइज़ का मैं लाइनिंग इन पीसों को जॉइंट करके इसी के साइज़ का बना लूँगी। और उसके बाद ये प्लेन कपड़ा है जो कि इससे बेल्ट भी आएंगी और यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए बॉर्डर कुछ हमारा यहाँ पर आएगा इस तरह से। और इसी कपड़े की हम इसमें बेल्ट लगाएं, आप चाहें तो इस कपड़े का भी लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये कट किया था, मैंने सेम उसी तरह लाइनिंग भी इसी के हिसाब से जैसे पीस थे तो मैंने जॉइंट करके एक पीस पूरा कर लिया। और देखिए ये इस तरह से आ रहा है, मैंने इसके साथ इसको अटैच कर दिया है। अभी हम क्या है यहाँ पे बीच बीच में एक दो सिलाई डाल देंगे जिससे लाइनिंग और ये ऊपर का हमारा पीस सेट हो सके। तो देखिए जैसे मैंने ये एक सिलाई डाल दी, ऐसी 2-3 और डाल देती हूँ और बाद में फिर इस तरह से भी डाल देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था इस तरह से मैंने इसमें ये डिजाइन चेक्स डाल दिए हैं, इधर से भी और यहाँ से भी। और उल्टी तरफ देखेंगे तो ये इस तरह से है। मैंने इसमें फॉर्म नहीं डाला है, आप चाहें तो अंदर फॉर्म भी डाल सकते थे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे अभी जो अटैच करने वाले हैं यहाँ पे बॉर्डर जो हमें कपड़ा लिया है ये जो बॉर्डर के लिए इसको तैयार करते। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक एक प्लेट डालते हैं। देखिए बीच में से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक कट दे देते हैं। और सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर भी एक कट दे देंगे। अभी कट होने के बाद हम यहाँ पे इतना हल्का सा एक प्लेट डालेंगे, कट के साइड से आना चाहिए और एक इस साइड से डाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। तो देखिए जो मैंने ये कपड़ा लिया है अभी आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। तो देखिए जैसे ये बॉक्स डाल लिया है, अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ पहले आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ फिर सिलाई का तरीका बता। तो देखिए 3.5 इंच की चौड़ाई ली, लंबाई हमारी जिसके हिसाब से ले लेंगे और यहाँ पर हम अंदर से इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए स्टिच कर दिया है और अभी हम इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके इस तरह का हमारा 1 इंच के आसपास का ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सिलाई डाल दी और एक ऊपर सिलाई डाल दी। अभी जो हम तनी बनाने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई भी बता देते हैं। तो देखिए ये 26.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे किनारे पर दोनों साइडों में और यहाँ पे इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं और अभी आपको ये तैयार करने का मेथड बताती हूँ कैसे तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे हम इनको अटैच करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने बॉक्स बनाया उसके साइड से स्टिच डाल देंगे और स्टिच 1 इंच के आसपास इसमें डालना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया इसी तरह से इस साइड में भी स्टिच कर दूंगी और सेम दूसरी साइड में। देखिए तनी मैंने दोनों साइड में अटैच कर दिए, इस साइड में भी और देखिए इस साइड में भी। और अभी बाद में हम क्या करेंगे इसको इसके साथ में भी एक एक सिलाई डाल देंगे तो यहाँ पे भी ये लॉक हो जाएगी। और अभी इसकी साइड फिटिंग बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम दोनों पट्टियों को इस तरह से ले लेंगे यहाँ पे और स्ट्रेट इधर स्टिचिंग डाल देंगे और सेम दूसरी साइड में।
दोनों साइड में मैंने स्टिचिंग डाल दी है। अभी हम यहाँ पे ये जो कोने है इस कोने को इस तरह से स्टिच करते हैं क्रॉस में। जो सिलाई है ये कोना इस तरह से ले लें और यहाँ पे मार्किंग कर लें इसको बीचों बीच लेके इस तरह से क्रॉस में। तो ये यहाँ से यहाँ लंबाई जो हमारी 1 इंच की आएगी और इस तरह से क्रॉस में करके और फिर यहाँ पे स्टिच डाल देंगे। तो देखिए ये हमने जैसे मैंने बताया था मैंने यहाँ पर भी एक एक सिलाई डाल दी है जिससे क्या है यहाँ पर भी सेट हो गया। और हमने ये लंबा इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसी लंबी पट्टी आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस तरीके का हमने क्रॉस में जो सिलाई डाल दी थी वो इस तरह से आ रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये इस तरह का एक लंबा सा बॉक्स जैसा बन गया है और ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा बैग बन गया है बचे हुए टुकड़ों में से और इसमें आप काफ़ी सामान भर सकते हैं। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा बैग बना सकते हैं बचे हुए टुकड़ों में से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।